गुड मॉर्निंग एवरी वन आज 27 जुलाई 2022 है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों ही प्रस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें अपने दोस्तों के साथ कलीग के साथ जो भी यू की तैयारी कर रहे हैं डी की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कर दें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कोई सुझाव देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन खुला हुआ आप सुझाव दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें वीडियो देखना शुरू किया है तो पॉज करके आप इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग अटैम्प्ट कीजिएगा सभी लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर कुछ दिन पहले पिछले वीक की हमने चर्चा किया था न्यूज़ आया था कि एस ने अपना पहला कल्चरल और टूरिज़्म कैपिटल घोषित किया तो आपको ये बताना है कि एस यानी संघाई सहयोग संगठन ने किसे किस शहर को अपना पहला कल्चरल और टूरिज़्म कैपिटल घोषित किया है ऑप्शन ए संघाई बिस् बी तेहरान सी कराची या डी वाराणसी सभी लोग अटेम्प्ट कीजिएगा वीडियो के आखिर में मैं इस पर चर्चा कर दूंगा फर्स्ट पेज पे देखिए ये न्यूज़ दोनों न्यूज़ इंपॉर्टेंट है एक तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और मैंने इस न्यूज़ को टिक नहीं किया लेकिन ये न्यूज़ भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये वो न्यूज़ है जिसके बारे में ऑलरेडी हमने कई बार चर्चा किया मैंने आपके साथ बोला था पहले भी कि ईडी माननीय राहुल गांधी जी से जब पूछताछ कर रही थी उस समय भी डिटेल से हमने चर्चा किया था और मैंने कहा था कि ईडी माननीय सोनिया गांधी जी से भी पूछताछ करेगी अब ईडी क्यों पूछताछ कर रही है तो उसके बैकग्राउंड में है नेशनल हेराल्ड केस नेशनल हेराल्ड बेसिकली एक न्यूज़पेपर था अंग्रेजी का जिसकी शुरुआत 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था और वर्ष 2008 में इसको बेच दिया गया तो पूरे केस पे हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि नेशनल हेराल्ड केस क्या है और साथ ही साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट चूँकि माननीय सोनिया गांधी जी से पूछताछ कर रही है तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है नेशनल हेराल्ड केस क्या है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या काम करती है किस तरह से काम करती है दोनों इस न्यूज़ के बैकग्राउंड में है और दोनों ही इम्पोर्टेंट है कई बार हमने चर्चा किया है आज हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे मैं भी चाहता हूं कि प्रत्येक दिन कुछ नया मुझे डिस्कस करने के लिए मिले आज मुझे टाइगर पे आपके साथ डिस्कस करना है तो टाइगर पे मैं डिटेल से आपके साथ चर्चा करूंगा और एडिटोरियल भी जनसंख्या से रिलेटेड आज एडिटोरियल दिया हुआ तो वो भी मेरे लिए एक नया टॉपिक है उस पर भी मैं आपके साथ डिटेल से डिस्कस करूँगा क्योंकि कई सारे नए पॉइंट्स मुझे वहाँ पे देखने को मिले हैं अवैध तरीके से हमारी जमीन पे तैयार हो रहा है सीपेक भारत ऑलरेडी इस टॉपिक पे भी हमने तीन चार दिन पहले चर्चा किया था सीपेक मतलब होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक बेसिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बेसिकली चीन की कासगर ये जो दिख रहा है आपको चीन का कासगढ़ है और यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है तो चीन के कासगढ़ से लेकर के पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक कनेक्टिविटी का एक परियोजना रोड के माध्यम से ये लोग यहाँ से यहाँ आएंगे अपने सामानों को सीधे यहाँ से ला के ग्वालियर ले जाएंगे ग्वादर ले जाएंगे और ग्वादर ले जाने के बाद हिंद महासागर से उसे अन्य देशों को एक्सपोर्ट कर देंगे बेसिकली चीन का ये प्लान था कि अपने जो सामान है अपने सामान को ग्वादर पोर्ट तक ला करके इसे विश्व के अन्य देशों को एक्सपोर्ट कर देना भारत इसका विरोध क्यों करता है? भारत इसका विरोध इसलिए करता है कि ये पाकिक्युपाइड कश्मीर से गुजरता है और 1994 का कल भी हमने आपके साथ चर्चा किया था कि उन्नीस का एक रिजोल्यूशन है जिसमें इंडियन पार्लियामेंट कहती है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है राइट right. तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है ये क्षेत्र हमारा अभिन्न अंग है और हमारे एक अभिन्न अंग से हमारे क्षेत्र से चीन बिना हमसे सहमति लिए वहाँ से रास्ता का निर्माण कर रहा है वहां पे एक कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है इसलिए भारत हमेशा सीपेक का विरोध करता है अब देखिए रिसेंट चर्चा क्या है न्यूज पे लौटिए रिसेंट चर्चा ये है कि कई सारे देश को सीपेक में शामिल करने की बात चल रही है मसलन अफगानिस्तान ईरान इन देशों को भी सीपेक में चीन और पाकिस्तान जोड़ने का प्रयास कर रहा है तो भारत इसका विरोध करता है भारत तो सिपेक का भी विरोध करता है और साथ ही साथ अन्य इनकी एक्सटेंशन की जो प्लान है उसका भी भारत विरोध करता है सिपेक एक्सटेंशन का भी भारत विरोध करता है देश में लगभग हर तीसरे दिन हुई बाघ की मौत प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है आज सत्ताईस जुलाई है परसों इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाएगा अब बाघों को लेकर के अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं तो अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 एक रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार 2018 में बाघों की संख्या इंडिया में बढ़कर के टू हो गई प्रत्येक चार वर्ष पे आई थिंक ये रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है और अभी हमारे पास बाघों की संख्या कितनी हो गई है दो हजार नौ सौ सड़सठ उनतीस सौ सड़सठ बाघ हमारे देश में हो गई है भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी क्योंकि भारत ने बाघों की संख्या दुगुना करने का जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को चार वर्ष पहले ही कंप्लीट कर लिया था बाघ रेंज के देशों ने 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा में 2022 तक अपनी अपनी रेंज में बाघों को दुगुणा करने का संकल्प लिया था तो 2010 में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जब टाइगर के बारे में आप पढ़ते हैं तो सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ये घोषणा हुआ था बाघों को लेकर के कि 2010 में ये घोषणा हुआ था कि 2022 तक बाघों की संख्या को हम दोगुना कर देंगे और भारत ने 2018 में ही टारगेट था हमारा 2022 में बाघों को संख्या को दोगुना करना भारत ने 2018 में ही बाघों की संख्या को दोगुना कर दिया तो निश्चित तौर पर यह भारत के लिए अचीवमेंट था टाइगर स्टेट जो बना टाइगर स्टेट वो स्टेट होता है जहां पे सबसे अधिक टाइगर पाए जाते हैं तो टाइगर स्टेट हमारा मध्य प्रदेश बना है 526 बाघ के साथ और सेकेंड स्थान पे कर्नाटका है 524 बाघ के साथ थर्ड स्थान पे उत्तराखंड है 442 टाइगर के साथ अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट के अनुसार तीन टाइगर रिजर्व ऐसा है जहाँ पर एक भी बाग नहीं है एक तो बुक्सा टाइगर रिजर्व जो पश्चिम बंगाल में है डम्फा टाइगर रिजर्व जो मिजोरम में है और पलामू टाइगर रिजर्व जो झारखंड में है ये तीनों टाइगर रिजर्व में एक भी बाग नहीं है बुक्सा पश्चिम बंगाल डम्फा मिजोरम और पलामू झारखंड सबसे अधिक बाघ मिला है जिम कार्बेट में जिम कार्पेट कहाँ पे है तो जिम कार्बेट आपको उत्तराखंड में तो जिम कार्गेट में सबसे अधिक बाघ मिला है नागरहोल में भी अधिक बाघ मिला है और बांदीपुर में भी तो किसी एक टाइगर रिजर्व जिसमें सबसे अधिक बाघ मिला है वो है जिम कार्बेट सेकेंड नंबर पे है नागरहोल और थर्ड नंबर पे है बांदीपुर 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है दो दिन के बाद ग्लोबल टाइगर डे आने वाला है ग्लोबल टाइगर फोरम की अगर मैं बात करूं ग्लोबल टाइगर फोरम क्या होता है तो बाघों की रक्षा के लिए जो इच्छुक देश है उसके द्वारा स्थापित अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय निकाय ग्लोबल टाइगर फोरम में दुनिया के तेसठ तेरह टाइगर रेंज के देश शामिल हैं और इसमें बाघों को बचाने के लिए ये देश विशेष रूप से काम करते हैं तेरह देश शामिल है भारत भी शामिल है रूस भी शामिल है ईरान वगैरह भी इसमें शामिल है पाकिस्तान सॉरी पाकिस्तान तो नहीं कहूँगा लेकिन नेपाल भी इसमें शामिल है ग्लोबल टाइगर फोरम का गठन 1993 में दिल्ली में बाघ भारत में बाघ संरक्षण पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय संगो, संगोष्ठी की सिफारिश पर किया गया था तो नाइन्टीन में दिल्ली में ही बेसिकली इसकी शुरुआत हुआ था और इसका हेडक्वाटर भी नई दिल्ली में है और 1997 में इसे एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बना दिया गया स्वतंत्र संगठन बना दिया गया इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको बना दिया गया एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है एन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए बेसिकली एक स्ट्रक्चरी बॉडी है यानी साविधिक संगठन सांविधिक संगठन है मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट के तहत पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक सांविधिक संगठन है इसकी स्थापना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन के द्वारा किया गया था दो में इसकी स्थापना किया गया इसके अध्यक्ष पर्यावरण मंत्री होते हैं और प्रोजेक्ट टाइगर जो है बेसिकली एन टी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ही प्रोजेक्ट टाइगर को रेगुलेट करता है इसी तरह से प्रोजेक्ट चीता काफ़ी चर्चा में है तो प्रोजेक्ट चीता को रेगुलेट करने का काम प्रोजेक्ट टाइगर को रेगुलेट करने का नेशनलिटी करता है कई बार क्वेश्चन पूछा गया स्टेट पीसीएस में पीटी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब किया गया था तो 1973 सेवेंटी थ्री में किया गया था और प्रोजेक्ट टाइगर के साथ टाइगर को संरक्षित करने का काम किया जाता है इसके तहत अभी इंडिया में तिरपन टाइगर रिजर्व बन चुके हैं और लेटेस्ट टाइगर रिजर्व की मैं बात करूँ तो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व जो हमारा है वो है रामधर सॉरी रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य या रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये देश का बावनवा टाइगर रिजर्व बना है जो राजस्थान में है और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व तो ये तिरपनवा टाइगर रिजर्व बना है जो छत्तीसगढ़ में ये दोनों का नाम याद रखिएगा रामगढ़ विशधारी जो राजस्थान में है टाइगर रिजर्व बना है और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो तिरपनवा टाइगर रिजर्व बना है जो छत्तीसगढ़ में तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है टाइगर के बारे में विश्व के शीर्ष बीस बेस्ट एयरपोर्ट में आई जी आई तेरहवें स्थान पर आई जी आई जो हमारा दिल्ली का है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है इसको तेरहवा स्थान मिला है सबसे अधिक यात्रियों के मामले में पहले स्थान पर है अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अमेरिका में है और तेरहवें स्थान पर किसको मिला है तो आई जी आई टर्मिनल दिल्ली को मिला है खाद्य संकट को दूर करने पे सहयोग बढ़ाएंगे भारत अमेरिका आप सभी को याद होगा कुछ दिन पहले यू टू आई टू की वार्ता हुई थी आई टू यू टू की वार्ता हुई थी आई टू मतलब होता है इंडिया इज़राइल यू टू मतलब होता है यू एस ए एंड यू ए ए ये चारों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष की वार्ता हुई थी ऑनलाइन वार्ता हुई थी और इस वार्ता में अगर आप देखिएगा तो इस वार्ता में एक जो डिसीजन लिया गया था कि वैश्विक खाद्य संकट को देखते हुए भारत में दो अरब डॉलर की एकीकृत फूड पार्क बनाएगा यू और इसमें तकनीकी मदद करेंगे भारत और इसराइल ये इंपॉर्टेंट वार्ता हुई थी दूसरा ये जो चर्चा हुआ था कि गुजरात में अक्षय उर्धा में 300 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज सिस्टम स्थापित किया जाएगा अब देखिए ये जो पहला पॉइंट है इसी पॉइंट के और आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी पॉइंट से इस न्यूज़ को हम लोग कोरिलेट करते हैं कि खाद संकट को दूर करने पर सहयोग बढ़ाएंगे अमेरिका भारत तो जो आई टू यूट्यूब में वार्ता हुई थी उसी वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका की एक प्रतिनिधि भारत के दौरे पर आई है और विश्व में जो खाद संकट की वर्तमान में स्थिति क्रिएट हुई है विशेष रूप से रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तो खाद्य संकट की स्थिति को दूर करने के लिए अमेरिका भारत मिलकर काम करेंगे और यह कमिटमेंट आई टू यू टू सबिट के दौरान भी किया गया था अब एक नियामक के अधीन होगी उच्च शिक्षा देश में अभी उच्च शिक्षा को लेकर के चौदह नियामक है जैसे यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा परिषद है तो इस तरह से देश में चौदह नियामक है उच्च शिक्षा को रेगुलेट करने की चौदह बॉडी इन चौदह बॉडी को के जगह सिर्फ एक नियामक बनाया जाएगा और उस नियामक का नाम होगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग नेशनल सॉरी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एच ई सी आई हायर कमी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया अब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का बेसिकली चार अंग होगा और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो बनागा बेसिकली ये देश में अभी वर्तमान में जो चौदह नियामक बॉडी है उच्च शिक्षा के लिए जो चौदह नियामक है इस चौदह नियामक को हटा करके इसके जगह सिर्फ और सिर्फ एक नियामक होगा और वो नियामक होगा हायर एजुकेशन एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एच ई सी आई अब इसके तहत भी जो है इसका चार अंग होगा बेसिकली एच ई सी आई का चार अंग होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का चार अंग होगा एक होगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद होगा दूसरा होगा राष्ट्रीय परिषद नेशनल एक्डेशन काउंसिल होगा एन होगा तीसरा होगा राष्ट्रीय शिक्षा सॉरी उच्चतर शिक्षा अनुदा, अनुदान परिषद होगा हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल होगा और चौथा होगा सामान्य शिक्षा परिषद यानी जनरल एजुकेशन काउंसिल तो ये जो हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का ये चार अंग होगा और इसी के तहत जितने भी हायर एजुकेशन संबंधित संस्था है सभी को रेगुलेट करने का यह प्रयास करेगी देखिए ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो नहीं कहूंगा लेकिन बेसिकली प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए या संगठन को नियंत्रित करने के लिए इस तरह का देश में काम किया जा रहा है या प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए या प्रशासन को आसान बनाने के लिए इस तरह से काम किया जा रहा है एक और मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि देश में हमारे पास जो उनतीस लेबर लॉ है उनतीस लेबर लॉ की जगह अब सिर्फ चार लेबर लॉ होगा तो इसी तरह से ये क्यों किया जा रहा है उनतीस कानून की जगह सिर्फ चार कानून क्यों होगा उनतीस जो लेबर संबंधित लॉ है उसकी जगह चार लेबर लॉ क्यों होगा क्योंकि इससे क्या होगा कि लेबर लॉ को आसान किया जा सकता रेगुलेट रेगुलेशन आसान किया जा सकता है नियंत्रण उस पर आसान हो सकता है विनियमन आसान हो सकता है तो वही कारण ये सब काम किया जाता है कि अभी चौदह मान लीजिए अलग अलग संगठन है जो चौदह अलग अलग नियामक है उसके जगह अगर एक नियामक होगा तो वो नियामक अधिक प्रभावशीलता के साथ काम कर सकता है उच्चतर शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हमें आवश्यकता है कि इन संगठनों को जो चौदह नियामक है उसके जगह एक नियामक की हम स्थापना करें और उसको मजबूत बनाएं उसको प्रभावी बनाएं राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत घोषित करने को सुप्रीम सुनवाई अगले हफ्ते तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय राम सेतु जो भारत और नेपाल के बीच में अवस्थित है जो एक सेतु एक तरह से आज भी है आज भी अगर आप जाएंगे पटना में ही इनफैक्ट आप चले जाइए अगर आप पटना में हैं तो कभी महावीर मंदिर जाइएगा वहाँ पे आप देखिएगा पानी रखा हुआ है और पानी के ऊपर आज भी एक पत्थर तैर रहा है और उस पत्थर को यहीं से लाया गया था राम सेतु से ही उस पत्थर को लाया गया था तो पत्थर जो काफी बड़ा पत्थर होता है जिसे आप उठा नहीं सकते नॉर्मली वो पानी में नॉर्मली डूब जाना चाहिए लेकिन आज भी वो तैरता है तो इसे राष्ट्रीय विरासत घोषित किया जाए इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगले सप्ते सुनवाई करेगी मंकी पॉक्स से निपटने के लिए जरूरी कदम सरकार उठा रही है इसे घबराने की आवश्यकता नहीं है बाकी आप लोग भी कंसर्न रहिएगा आप लोग भी सजग रहिएगा कोशिश कीजिएगा जितना हो सके बच के रहने का मंकी पॉक्स जो बीमारी है नॉर्मली चेचक की तरह हो रहा है कारगिल में गूंजे बलिदानियों की वीरता के खिस्से यहां पे आप देख रहे होंगे के, कैप्टन के, विक्रम बत्रा जो है उसको श्रद्धांजलि देते हुए इस तरह से दिया जा रहा है और कल जो है कारगिल हम लोग कल मनाते हैं यानी 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है ई e वेस्ट काफी चर्चा में ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है मेंस परसपेक्टिव से भी इंटरव्यू से भी पीटी परस्पेक्टिव से भी यूपीएससी पी का क्वेश्चन देखिएगा ई e वेस्ट से पीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया तो मैं डिटेल से एनालिसिस कर दूंगा इस टॉपिक पे ई वेस्ट मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो जो कंप्यूटर होता या उपकरण होता या वॉशिंग मशीन हो गया फ्रिज हो गया जो ख़राब हो जाता जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाता उसी को ई वेस्ट कहते हैं अब ई वेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि तो हमारे पास जो पुराने मान लीजिए लैपटॉप है वो खराब हो गया कंप्यूटर खराब हो गया टी ख़राब हो गया वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया फ्रिज ख़राब हो गया तो ये ई वेस्ट की कैटेगरी में आता है इससे कई तरह के पॉलिटेंट निकलते हैं जो पर्यावरण के लिए काफ़ी खतरनाक होते हैं जिस तरह से प्लास्टिक को रिसाइकल करने में काफ़ी परेशानी होती है या बहुत मुश्किल है प्लास्टिक को रिसाइकल करना उसी तरह से ई वेस्ट को रिसाइकिल करना भी काफ़ी मुश्किल है काफ़ी टफ़ है विश्व में सर्वाधिक ई वेस्ट का उत्पादन करता है चीन एक करोड़ टन ई वेस्ट का उत्पादन चीन करता है और विश्व में सबसे अधिक करता है सेकेंड नंबर पे है अमेरिका सत्तर लाख टन ई वेस्ट का उत्पादन करता है तीसरे स्थान पे भारत है जो लगभग दस लाख टन ई वेस्ट का उत्पादन करता है और ये जो मैं चर्चा कर रहा हूँ ये ई वेस्ट निगरानी रिपोर्ट 2022 यूनाइटेड नेशन के एक रिपोर्ट है ई वेस्ट निगरानी रिपोर्ट दो हज़ार के अनुसार ये डाटा दिया गया तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व में सबसे अधिक ई वेस्ट ई कचरा का उत्पादन कौन करता है तो वो चीन करता है अब देखिए ई वेस्ट को देखते हुए भारत सरकार ने 2016 में एक नियम लाया था जिसे कहते हैं ई कचरा प्रबंधन नियम 2016। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 को अधिसूचित किया गया था इससे पहले हमारे पास 2011 का कानून था तो इस अधिनियम में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के निर्माण को विस्तारित निर्माणता जिम्मेदारी के दायरे में लाया गया अब देखिए ये जो पॉइंट है विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी ई पी exactly आर एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा गया कि ई पी आर क्या होता ई पी आर मतलब होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी हिंदी में कहते हैं विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी इसका सिंपल मतलब यह होता है कि मान लीजिए आपने एक लैपटॉप खरीदा एचपी का आज से दस वर्ष पहले या दस वर्ष के बाद यह लैपटॉप कचरा में तब्दील हो गया तो एचपी की ही जिम्मेदारी होगी कि आपके यहां से यह लैपटॉप कलेक्ट करे और उसका रिसाइकल करें तो जो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती हैं अगर वो इलेक्ट्रॉनिक सामान कचरा के रूप में तब्दील हो जाता है तो उसी कंपनी की ये जिम्मेदारी होगी कि उस इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा को कलेक्ट करें तो इसी को कहा कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जो निर्माता होगा उसी का जिम्मेदारी होगा कि ई कचरा का संग्रहण करना और हो सके तो उसका रिसाइकल करना या रिसाइकल करना बेसिकली 2022 में सरकार ने संशोधन लेकर सरकार आई थी कि ई वेस्ट के बराबर कचरे का रिसाइकल कहीं भी करना है और फिर उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो हाल में ही 2022 में सरकार ये संशोधन लेकर आई थी इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि एक एच का लैपटॉप या डेल का लैपटॉप या कोई अन्य लैपटॉप जो बिहार में बेचा है एच ने मान लीजिए कि एक टन कचरा एक टन का सामान बेचा है एच ने बिहार में अब एच की कंपनी बिहार में नहीं काम करती है मान लीजिए बेंगलोर में काम करती है तो बेंगलोर में ही एक लाख टन कचरा का या ई वेस्ट का वो रिसाइकल कर देगी या या उसका कलेक्शन कर देगी और सरकार तभी उनको सर्टिफिकेट देगा यानी एक जगह जहां कचरा है वहां से अलग दूसरी जगह भी आप कचरा को कलेक्ट करके सरकार से सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि हम हा, हाँ हा, हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर दिया इसी के, तरह, इसी के तहत इसी के तहत यानी ये जो ई वेस्ट रूल 2016 इसी के तहत निराकरण पुनर्चक्रण कार्यों में शामिल श्रमिकों की सुरक्षा स्वास्थ्य कौशल सुरक्षा आदि को राज्य सरकारों को सौंपा गया था कि राज्य सरकार इसके लिए डेवलप करेंगे तो ये हमारा था ई वेस्ट रूल 2016 जनसंख्या नियंत्रण की विकट चुनौती जनसंख्या नियंत्रण पे कई बार हमने चर्चा किया है लेकिन कुछ नया पॉइंट है इसलिए मैं इस पर चर्चा करूंगा नया पॉइंट हमारे पास यह है कि गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन जी जो देश में लोकसभा के पटल पे एक नया बिल पेश करने वाले हैं और इस बिल को ये जनसंख्या से रिलेटेड बिल होगा प्राइवेट बिल क्या होता है अगर देखा जाए तो रवि किशन जी भाजपा से जुड़े हुए हैं भाजपा की सरकार केंद्र में है Osionfish. लेकिन इनके द्वारा जो बिल पेश किया जाएगा उसे प्राइवेट बिल कहा जाएगा निजी बिल कहा जाएगा सरकारी बिल क्या होता है सरकारी बिल वो होता है जो सिर्फ मंत्रियों के द्वारा पेश किया जाता है केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो जो बिल पेश करेंगे उसे सरकारी बिल कहेंगे लेकिन मंत्री के अलावा कोई अन्य सदस्य चाहे वो बीजेपी का ही क्यों ना हो चाहे वो सत्ताधारी पार्टी का ही क्यों ना हो तो मंत्री के अलावा कोई अन्य सदस्य जो बिल पेश करता है उसे प्राइवेट बिल कहा जाएगा तो ये जो बिल पेश होगा ये प्राइवेट बिल होगा ये अंतर पूछता है कई बार स्टेट पीसीएस में या यूपीसी में ये अंतर पूछा है कि जो मिनिस्टर होगा मिनिस्टर के द्वारा ही जो बिल पेश होगा उसी को सिर्फ गवर्नमेंट बिल कहा जाएगा बाकी जितने भी बिल पेश होंगे सभी को प्राइवेट बिल कहा जाएगा चलिए जनसंख्या की मैं बात करूं तो भारत में प्रतिदिन सत्तर हजार और एक मिनट में इक्यावन बच्चों का जन्म होता है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है संवर्ती सूची में शामिल है तो ये जो है बेसिकली सम्वर्ती सूची का विषय है संविधान समीक्षा रिपोर्ट आया था 2002 में इसने केंद्र सरकार को जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बनाने की सलाह दिया था संविधान समीक्षा रिपोर्ट 2002 में जो बना था आयोग बना था वेंकट चलैया की अध्यक्षता में बना था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था अगर हो सके तो लक्ष्मीकांत के पीछे पढ़ लीजिएगा संविधान समीक्षा रिपोर्ट पूरा पूरा डिटेल में दिया हुआ अभी जनसंख्या नियंत्रण पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है कि जनसंख्या नियंत्रण पे क्या किया जाना चाहिए आज़ादी के समय में हमारी आबादी 36 करोड़ थी आज 135 36 करोड़ पहुंच गई है और रिसेंट का जो डाटा है उसके अनुसार 141 करोड़ पहुंच गया जनसंख्या के कारण क्या जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ रहा है इसका एक कारण है अशिक्षा और ये अगर मान लीजिए कोई कारण आप देते हैं तो उस कारण को आप जस्टिफाई कीजिए कि अशिक्षा जनसंख्या का कारण है मान लीजिए आप ये बोलते हैं लेकिन जब तक उसको जस्टिफाई आप नहीं कीजिएगा फिर एक पान के दुकान पे जो लोग डिबेट करता है फिर आप में कोई अंतर नहीं रहेगा तो इसलिए आपका डिबेट ऑथेंटिकेट हो इसलिए आवश्यकता है कि आप किसी पर्टिकुलर डाटा के साथ उस जो तथ्य देते हैं उस तथ्य को जस्टिफाई कीजिए या वो जो तर्क देते हैं तर्क को जस्टिफाई कीजिए तो अशिक्षा अगर मान लीजिए कारण है तो आप कह सकते हैं कि सबसे अधिक साक्षर केरल में दशकीय वृद्धि एक तर्क दे सकते हैं आपकी दशकीय वृद्धि केरल में महज 4.9 परसेंट है क्योंकि केरल की के साक्षरता साक्षरता दर सबसे अधिक है और बिहार में यह पच्चीस पॉइंट एक परसेंट है क्योंकि बिहार के साक्षरता दर सबसे कम है तो साक्षरता दर का डायरेक्टली प्रभाव जनसंख्या पर पड़ता है जितना साक्षरता अधिक होगा जनसंख्या उतना ही कम होगा इसको आप केरल और बिहार के जनसंख्या वृद्धि से शो कर सकते हैं दूसरा है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फोर के अनुसार गरीब महिला की प्रजनन दर 3.2 है वहीं पे अमीर महिला की प्रजनन दर 1.5 है प्रजनन दर उत्तर के राज्यों में 2.1 से अधिक है और दक्षिण के राज्यों में कम है ये बहुत बड़ा चुनौती है जनसंख्या को अगर हमें अस्थिर रखना है तो हमारा प्रजनन दर कहा जाता है कि 2.1 होना चाहिए ये आइडियल कंडीशन होता है टू मतलब हो गया कि दस बच्चे दस महिलाएं इक्कीस बच्चे पैदा कर सकती हैं टू पॉइंट वन का ये मतलब हुआ तो ये आइडियल कंडीशन होता है अब उत्तर भारत को देखिएगा तो उत्तर भारत में खास करके बिहार और यूपी का अगर आप देखिएगा तो प्रजनन दर टू पॉइंट वन से कहीं अधिक है और इसी तरह से दक्षिण भारत को देखिए तो टू पॉइंट वन से काफ़ी कम है तो यानी दक्षिण भारत को जनसंख्या बढ़ाने की आवश्यकता और उत्तर भारत को जनसंख्या घटाने की आवश्यकता है तो इसलिए कहा जाता है कि एक समान नीति पूरे देश में जनसंख्या को लेकर के लागू नहीं हो सकता जन्म और मृत्यु दर के बीच अंतर 2009-10 से लेकर के 19 के बीच में जन्म दर 1.2 परसेंट बढ़ी थी और मृत्यु दर 0.5 परसेंट बढ़ी थी अब सोच कर देखिए दर हमारा 1.2 परसेंट प्रतिवर्ष बढ़ता है मृत्यु दर सिर्फ 0.5 परसेंट बढ़ता है तो ये जो अंतर है ये 0.7 परसेंट का अंतर है ये काफ़ी अंतर है और यही अंतर जनसंख्या को बढ़ाता है बच्चे अधिक जन्म लेते हैं लोग कम मरते हैं बूढ़े कम मरते हैं बुजुर्ग हमारे कम मर रहे हैं तो जन्मदर और मृत्यु दर के बीच में जो अंतर है वही जनसंख्या को बढ़ा रहा है अब देखिए जनसंख्या पे एक रिपेंट में रिपोर्ट आया था आज से दस दिन पहले या पंद्रह दिन पहले आया होगा द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2021 यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में यानी वर्तमान में भारत की जनसंख्या हो गया अरव, 1.41 करोड़ अरब यानी 141 करोड़ और चीन की जनसंख्या हो गया अरव, 1.42 अरब यानी 142 करोड़ तो भारत 141 करोड़ जनसंख्या के साथ विश्व में सेकेंड स्थान पे है चीन 142 करोड़ जनसंख्या के साथ विश्व में पहले स्थान पे है और महज इसी वर्ष दो में एक वर्ष के अंदर भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा क्योंकि हमारे और चीन के बीच में महज एक करोड़ जनसंख्या का फासला है जो हम आसानी से अगले साल अचीव कर लेंगे हम चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या बन जाएंगे अगले वर्ष यानी दो में और 2050 की मैं बात करूं तो 2050 तक इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जनसंख्या एक करोड़ हो जाएगी तो जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है अब देखिए जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव क्या तो एक तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 को आप कोट कर सकते हैं कि इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में कहा गया है कि 18 करोड़ लोग रात में पेट भर का खाना इंडिया में नहीं खा पाते कुपोषण से मरने वाले विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या भारत में है विश्व में सबसे अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार इंडिया में ही है आबादी अधिक बढ़ती है तो कृषि भूमि घटता है जितना आबादी बढ़ेगा कृषि भूमि उतना ही घट रहा है कृषि भूमि अगर घट रहा है तो टेक्निकल खेती वहाँ पे नहीं हो पा रहा तकनीकी आधारित खेती नहीं हो रहा अमेरिका में अगर आप देखिएगा जो कृषि होता है वहाँ पर वहाँ पर पूरा टेक्निकल खेती होता है तकनीकी खेती होता दस बीघा बीस बीघा पचास बीघा का एक एक प्लॉट होता है पचास बीघा से ज़्यादा का ही एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती कि पूरे पूरे खेत पे काम करना भारत में इस तरह से नहीं है गरीबी बेरोजगारी बढ़ रही है पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लक्ष्य प्राप्ति प्राप्ति में रुकावट है और हाल में ही बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश ने प्रति व्यक्ति आय में भारत को छोड़ दिया भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था पाकिस्तान से बांग्लादेश और आज वो बांग्लादेश भारत को प्रति व्यक्ति आय में छोड़ दिया है दो हज़ार में mm. बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति, व्यक्ति आय 1.62 लाख था और भारत का 1.41 लाख रुपए था तो निश्चित तौर पे जनसंख्या बढ़ने के ये सब नकारात्मक कदम है नकारात्मक उपाय मालथस का जनसंख्या सिद्धांत ये काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं क्योंकि तो कई बार स्टेट पीछे इसमें मैं देखा हूँ मालथस के जनसंख्या सिद्धांत पे क्वेश्चन पूछता है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत करता है कि जनसंख्या बढ़ता है इस रफ्तार से वन टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू तो दोगुनी रफ्तार से जनसंख्या बढ़ता है एक दुना, दो ना दोना चार दोना सोलह दोना बत्तीस इस तरह से होता है लेकिन जो हमारे पास संसाधन है जो रिसोर्सेज हैं वो इस तरह से नहीं बढ़ता रिसोर्सेस इस तरह से बढ़ता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो रिसोर्सेस लीनियर रूप में बढ़ता है और जनसंख्या एक्सपोनेंशियल रूप में बढ़ता है यह कहना था मालथस के जनसंख्या सिद्धांत का अब जनसंख्या नियंत्रण के कुछ उपाय की अगर मैं चर्चा करूं तो यह है कि आयु की एक निश्चित अवधि में मनुष्य की प्रजनन दर अधिक होती है तो यदि विवाह की आयु में वृद्धि किया जाए तो जन्म दर को नियंत्रित किया जा सकता है इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं की विवाह की आयु में वृद्धि किया जा रहा है इक्कीस वर्ष अब करने की बात चल रही है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा लोगों के अधिक बच्चों पर जन्म देने के दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की आवश्यकता है हम लोगों को शिक्षित करें लोगों को इस बात पे जोर दें कि वो अधिक बच्चे जन्म ना दें राइट तो इस बात को हमें सुधार करने की जरूरत है यानी शिक्षा की गुणवत्ता के माध्यम से भी जनसंख्या नियंत्रण हम कर सकते हैं और बिहार के संदर्भ में यह अधिक प्रासंगिक होता है बिहार के मुख्यमंत्री को स्टेटमेंट आप सुनिएगा तो वो अक्सर कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण का एक मात्र माध्यम है एजुकेशन ये बिहार के सीएम का स्टेटमेंट है भारत में अनाथ बच्चों की संख्या अधिक है ऐसे परिवार जो बच्चों को जन्म देने में सक्षम नहीं है ऐसे परिवारों को बच्चों को गोद लेने में प्रोत्साहित करना चाहिए अनाथ बच्चे काफ़ी हैं हमारे देश में तो बच्चे गोद लेने की परंपरा को हमें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता भारत के विभिन्न कारकों के चलते पुत्र प्राप्ति को आवश्यक माना जाता है तथा पुत्री के जन्म को हतोत्साहित किया जाता है यानी पुत्र प्राप्ति आवश्यक है ये मेंटेलिटी आज भी समाज में व्याप्त है और इसी मेंटेलिटी का असर है कि जनसंख्या बढ़ रहा है पुत्र की चाहत के कारण जनसंख्या का बढ़ना समाज में हो रहा है ये हम लोग देखते हैं नॉर्मली भारतीय समाज में किसी भी दंपति के लिए संतान प्राप्ति आवश्यक समझा जाता है बिना संप संतान प्राप्ति के, संतान प्राप्ति के संतान दंपति को हे दृष्टि से देखा जाता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी समाज का इस तरह से नजरिया है भारत में जनसंख्या वृद्धि दर ग्रामीण क्षेत्र में अधिक है इसका प्रमुख कारण परिवार नियोजन के बारे में लोगों के पास जागरूकता का अभाव है तो ग्रामीण जनसंख्या शहर से कंपेयर कम, कीजिएगा तो शहरी जनसंख्या कम है ग्रामीण जनसंख्या अधिक है और ग्रामीण जनसंख्या अधिक है उसका कारण है क्यों है क्योंकि ग्राम में लोगों के पास गांव में लोगों के पास परिवार नियोजन के बारे में जानकारी कम है और शिक्षा भारत की जनसंख्या आज भी शिक्षा से दूर है और शिक्षा के अभाव में भी देश का जनसंख्या बढ़ रहा है तो जनसंख्या पे हमने कोशिश किया डिटेल से आपके साथ चर्चा करने की बाकी इसको पढ़ लीजिएगा जनसंख्या के बारे में आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे या एक टॉपिक आपका पूरा बन के तैयार हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात में लगातार वृद्धि आत्मनिर्भर भारत योजना आई थिंक अप्रैल 2020 में ये योजना आया था और इस योजना के तहत सरकार ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव शुरू किया था यानी जिस उत्पाद का जितना प्रोडक्शन कीजिएगा सरकार तो आपको उतना ही इंसेंटिव देगी तो सरकार ने जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसका उत्पादन का भी लक्ष्य रखा मेक इन इंडिया के तहत इसका उत्पादन किया जाए भारत की सीमा में इसका उत्पादन किया जाए और जितना आप उत्पादन कीजिएगा उतना हम आपको इंसेंटिव देंगे इसी को कहा गया प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी पी एल आई योजना और इसी का हम लोग वर्तमान में असर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद के निर्यात में लगातार वृद्धि हो रहा है फाइव जी की नीलामी कल से शुरू हो गई है और पहले दिन वन पॉइंट फोर लाइक फोर फाइव लाख करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम की बोली लगी है तो निश्चित तौर पर हमारे देश के लिए एक अच्छा कदम है अस्थिरता और आर्थिक संकट के समाधान में श्रीलंका की मदद करता रहेगा भारत कल भी हमने देखा है भारत ने चालीस हजार टन चावल पाँच सौ टन मिल्क पाउडर और सौ टन दवाइयाँ भेजी है किसको तो श्रीलंका को हमने भेजा बाकी देखिए श्रीलंका क्राइसिस इंपॉर्टेंट है श्रीलंका क्राइसिस क्या है श्रीलंका क्राइसिस का क्या कारण है श्रीलंका क्राइसिस में भारत ने किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आ, इसके रोक रोकने के लिए और श्रीलंका क्राइसिस में चीन का क्या योगदान है ये सब इम्पोर्टेंट है मेडागास्कर की राजधानी में विशाल हिंदू मंदिर का उद्घाटन जुटे श्रद्धालु तो ये मेडागास्कर का जो राजधानी है उसमें एक मंदिर का निर्माण किया गया है तो मेडागास्कर का लोकेशन आप लोग देख लीजिएगा इंटरनेट खोल के के गूगल मैप पे जा कर के मेरा का लोकेशन देख लीजिएगा और इसका राजधानी है अंटा नाना रियो रिवो अंटा नाना रिवो गैस संकट से निपटने के लिए खपत में कटौती करेंगे यूरोपीय देश यूरोपीय देश आज भी निर्भर है गैस पे रूस पे रूस पे ये लोग निर्भर है यूरोपीय देश लाख आरोप लगा है आज रूस यूक्रेन युद्ध को देखिए रूस यूक्रेन युद्ध पे जो है यूरोपीय देश आरोप लगाता है रूस पे लेकिन वही यूरोपीय देश रूस से ही तेल गैस खरीदता है तो अब समाधान ये यूरोपीय देश निकाल रहे हैं कि ये गैस की खपत ही कम करेंगे चलिए दोस्तों इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज था लौटते हैं हम लोग क्वेश्चन पे द फर्स्ट कल्चरल एंड कैपिटल कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एसो सिटी ये बना है वाराणसी वाराणसी पहला कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल एस का बना चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद थैंक यू सो मच प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू